घुलिया के निर्देशन में बनी साहब बीवी और गैंगस्टर तीन उम्मीदों से बेहद कम ओपनिंग मिली है। बड़े सितारों के आने के बाद इस एक्शन फ्रेंचाइजी से अच्छे कलेक्शन की उम्मीद की गई थी, लेकिन लगता है मिशन इम्पॉसिबल। फॉलोआउट। धड़क और संजू ने गैंगस्टर के तीसरे भाग को अच्छी शुरुआत से रोका है। साल 2011 में जब इस फिल्म का पहला भाग आया था तो 1 करोड़ की ओपनिंग मिली थी। 7 साल पहले इस फिल्म का पहला भाग आया था जिसमें साहब यानी जिमी शेरगिल और बीवी यानी माही गिल थे और हर फिल्म के साथ कहानी में एक गैंगस्टर शामिल होता गया। पहली बार इस रोल को रणदीप हुड्डा ने किया था और दूसरी बार इरफान ने। इस तीसरे भाग में संजय दत्त की एंट्री हुई है और साथ ही चित्रंगदा सिंह भी। ये फ्रेंचाइजी अब तक अपने डायलॉग, एक्शन और दमदार अभिनय के कारण ही दर्शकों के बीच पसंद बनी रही है, लेकिन इस बार इसकी ओपनिंग दमदार नहीं हुई है। इस फिल्म पिछले दिनों ठीक तरह से कलेक्शन किए है और अब इसके 12वें दिन के कलेक्शन का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। ट्रेड पंडितों की माने तो ये फिल्म अपने 12वें दिन लगभग 0.30 से 0.40 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। आप भी नीचे कमेंट में अपना अंदाजा लगा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।